jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में एक भारतीय महिला को नौकर बनाकर टॉर्चर करने का मामला सामने आया है। भारतीय कपल ने ही उसे गुलाम बना रखा था। उसे फ्रोजन चिकन से मारा गया, उबला पानी फेंका गया और चेहरे पर गर्म चाय तक डाली गई। मंगलवार को मेलबर्न मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। इस कपल पर 2007 से 2015 तक उसे स्लेव बनाकर रखने, उस पर हक जमाने और गैरकानूनी नागरिकों को जगह देने का आरोपी बनाया है। मेलबर्न में रह रहे तमिलनाडु के कैंडसमी और कुमुथिनी कानन ने गैरकानूनी तरीके से महिला को नौकरानी बनाकर रखा था। पिछले 8 साल से वो इनके साथ रह रही थी, लेकिन 2 साल पहले स्थितियां ज्यादा बिगड़ गईं। कपल ने उसे पिछले 2 साल से घर में लॉक कर रखा था। सुनवाई के दौरान पीड़ित महिला ने बताया कि जब उसे किसी फैमिली फंक्शन में और मंदिर में लेकर जाते थे तो उसे चुप रहने की हिदायत दी जाती थी। ऐसे न करने पर मुझे पीटा जाता। महिला ने कोर्ट में बताया कि इस कपल के हाथों उसे 10 से ज्यादा बार बुरी तरह पीटा गया। इसके अलावा मुझे गर्म पानी में भी डाला गया। उसने बताया कि उसके साथ बहुत गलत बर्ताव किया गया। उसी बहुत बार उसकी पिटाई की। एक बार तो उन्होंने मेरे सिर पर प्लेट ही दे मारी थी। उन्होंने मेरे हाथ की नस भी काटने की कोशिश की। महिला ने बताया कि कई बार उसके पैरों पर गर्म पानी फेंका गया। कई बार गर्म चाय भी चेहरे पर फेंक कर उसे जलाया गया। पीड़ित ने बताया, कुमुथिनी ने मुझे फ्रोजन चिकन तक के मारा है। जब भी वो मुझे पीटती थी तो हस्बैंड को भी मदद के लिए बुलाती थी। पीड़ित महिला भारत लौटना चाहती है। उसने भारतीय कपल से अपने पूरे पैसे मांगे हैं। अभी इस मामले की सुनवाई जारी है।